बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं बना रहा हूँ बिरयानी। चलते हैं किचन की तरफ। इसको अच्छे से गर्म होने दें। फिर लेना है एक प्लेट घी। अब घी थोड़ा सा गर्म होने दें। फिर लेना है प्याज, 6 प्याज ली है। और इसको अच्छे से ब्राउन होने दें। देखिए मेरी प्याज हो गई है ब्राउन। अब इसके बाद डालेंगे, इसमें डालेंगे कड़ी, 1 कड़ी पत्ता और 7 से 8 लौंग और ज़ीरा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगा चिकन। और इसके बाद इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगा। बिरयानी मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। ये देखें, 5 मिनट फ्राई करने के बाद मेरी बोटी हो गई है लाल। तो अब हम इसके बाद डालेंगे ये नमक। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसके बाद आ गए टमाटर, 5 टमाटर डालें। और 4 से 5 मिर्ची लेने आप। और इसको अच्छे से हिलाएं। गोश्त हो गया रेडी। और इसमें अब ये गोश्त और टमाटर को बनाने के लिए 2 कप पानी डालूंगा। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं। आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि वीडियो में आवाज़ आ रही है या नहीं। अब मैं इसको रख रहा हूँ 5 मिनट के लिए गलने के लिए ढकना। 5 मिनट बाद आके देखें। देखिए अब हो गया। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए हिलाएंगे। उम्मीद है माशाल्लाह से बिरयानी अच्छी बनेगी। अब मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला और अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। आप मुझे लाजमी बताना कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। ये हो गया हमारा रेडी। अब हम इसको डालेंगे अंदर। और इसके बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
ये हो गया है रेडी। अब हम इसके बाद दोबारा से एक जग पानी डालेंगे। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। पानी को आ गया उबाला। इसके बाद हम डालेंगे आलू बुखारा। इसमें डालेंगे चावल। उसके बाद हम इसको हल्का सा हिलाएंगे। उसके बाद ढक्कन दोबारा बंद कर देंगे। हमारे चावल हो गए हैं। अब हम इसको लगाते हैं दम पर। 30 मिनट के लिए हमने इसको लगा दिया दम पर। तो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं 30 मिनट बाद आकर। दोस्तों 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि बिरयानी की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिरयानी का कलर तो बहुत अच्छा है। दिल तो कर रहा भी खा लूँ, लेकिन मजबूरी है, रोज़ा रखा हुआ है, तो इसलिए रोज़े के बाद खाएंगे हम इंशाल्लाह। और पूछेंगे भी कि घर वालों से कि कैसी बनी है। ख़ास तौर पर तो मैं अपने भाई से पूछूँगा, उसको बिरयानी का बहुत शौक़ है, तो इंशाल्लाह वही आपको बताएँगे कैसी बनी है। ओके जी पापा जी, दसो कैसी बनी है बिरयानी। ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਤਾਏ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਰਯਾਨੀ। ਗਾਇਸ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਰਯਾਨੀ ਯਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਯਾਨੀ ਮੇਂ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो मैं आप सबको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत टेस्टी है बिरयानी। दोस्तों बिरयानी मैंने भी खाई है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।